पुलिस करती रही ग्रैंड चेकिंग, लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में दिया लूट की घटना को अंजाम। कानपुर के चकेरी में ग्रैंड चेकिंग की खुली पोल, जिस वक्त टाइट चेकिंग हो रही इसी दौरान हो गई लूट। चकेरी में फिल्मी स्टाइल में लुटेरों ने गोली मारकर दंपत्ति को लूट कर पुलिस कमिश्नरेट को दिखाया आईना। बुलेरो कार से आए बदमाशों ने सरेरा दिया लूट की घटना को अंजाम। दंपत्ति का मोबाइल पर्स के साथ लाखों रुपए के जेवर लूटे गए बदमाश। गोली मारकर होने वाली लूट की वारदात से पति और पत्नी गंभीर रूप से हुए घायल। लूट की वारदात को रोक पाने में असमर्थ पुलिस ने पीड़ित दंपत्ति से कहा नकली थे जेवरात। घायल होने के कारण दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। वहीं वारदात की जानकारी प्राप्त होते ही मौके पर पहुंचे डीसीपी सोमेंद्र मीणा ने मीडिया से बात करने में आखिर क्यों किया इनकार। पूरी घटना चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर इलाके की है। आपको बताते चले कि फिल्मी स्टाइल में हुई इस लूट की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पुलिस नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही थी। अनुराग शुक्ला, क्या घटना हुई है? जी, हम लोग लौट के आ रहे थे अपने मामा के फंक्शन से, तो वही बर्रा बाईपास के पास, सॉरी प्रताप होटल के पास, जो उधर कूड़ा घर पड़ता है। एक ऐसी वो बड़ी बोलेरो या जिप्सी कोई गाड़ी थी आई, उसने हम लोग को रोका और उसने डायरेक्ट पहला फायर मेरे ऊपर कर दिया, मेरे हाथ में लगी है और एक मेरे पीछे भी लगी है। उसके बाद फिर मेरे वाइफ जो जितना भी ज्वेलरी पहनी थी उन्होंने सब स्नैच कर लिया। कितना सामान आपका गया? अब सर सामान तो बहुत गया, उसको मैं क्या आपको बताऊँ। फोन वगैरह भी गया? हाँ, दोनों हम लोगों के मोबाइल थे वो भी छीन लिए, बाइक की चाबी थी वो भी छीन ली, मतलब पुलिस से बाइक से जाना। कहाँ रहते हैं? हम श्याम नगर से ब्लॉक। सारे असली, मैंने उनसे झूठ बोला था कि मैंने नकली पहने आप ले लीजिए, लेकिन तब भी वो छीन कर ले गए थे। कितने रुपए के जेवर थे? करीब 3 लाख के जेवर थे। कानपुर से विशेष संवाददाता प्रांजुल मिश्रा की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।